हाय एवरीवन, D-Link राउटर के मॉडल नंबर DIR615 में राउटर का एडमिन पासवर्ड या राउटर का लॉगिन पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। राउटर का एडमिन पासवर्ड आपको इसलिए भी चेंज करके रखना चाहिए क्योंकि अगर कभी भी आपके राउटर से कोई अननोन या अनऑथराइज पर्सन कनेक्ट हो जाता है तो आपके राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार का इशू क्रिएट ना कर पाए। तो हमेशा ट्राई करिए कि आप अपने राउटर का एडमिन पासवर्ड चेंज करके रखें। तो चलिए देख लेते हैं कि राउटर का एडमिन पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने राउटर को सिस्टम में वायर्ड या वायरलेस कनेक्ट कर लेंगे। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब यूआरएल में राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी आप टाइप करेंगे तो राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राउटर को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो चलिए हम अपने राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। राउटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यूजर का एक सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका यूजर ऑलरेडी दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे पासवर्ड टाइप करने के लिए पूछा जा रहा है और फिर पासवर्ड कन्फर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है। तो जो भी आप यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे वही पासवर्ड यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। तो चलिए हम अपने राउटर का एडमिन पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर का एडमिन पासवर्ड रख लिए हैं। नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि आपके राउटर का एडमिन पासवर्ड चेंज हो गया है। चलिए राउटर को लॉग आउट करके राउटर को फिर से लॉगिन करके दिखा देते हैं कि राउटर का एडमिन पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं राउटर लॉग आउट हो गया है। चलिए राउटर को फिर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का जो न्यू एडमिन पासवर्ड है वो मैं टाइप कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका राउटर लॉगिन हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।